सो हेलो एवरीवन, मैं उठ गई हूँ. मैं उठी हूँ 9:30 बजे और मेरा जो था तबीयत थोड़ा खराब हो रहा है और आवाज भी आपको लग रही होगी ऐसे ही. तो मैं शुरुआत कर रही हूँ अपने ब्लॉग की 10 बजे और पूरे दिन का मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं. चलिए. और ये बदतमीजी कर रहा है मेरा भाई. और मैंने आज छुट्टी ली है अपनी ड्यूटी से क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी डाउन हो रही थी और आपको लग ही होगा मेरी आवाज से मेरे बॉडी में पेन और नेक में मतलब काफी दर्द हो रहा था. तो सोचा थोड़ा रेस्ट कर लें एक दिन और बाकी के जो काम हैं घर के वो निपटा दिए जाए क्योंकि बहुत कुछ पेंडिंग पड़ा था. तो सोचा आज कर लिया जाए. चलिए मैं आपको दिखाऊंगी और मैं दिखाती हूँ. बना रही है ब्रेकफास्ट में पकौड़ियाँ. चलिए आपको दिखाई. देखिए गरम गरम पकौड़ियाँ अभी ये जो है बन रही हैं और मेरी मम्मी बना रही हैं सुबह सुबह उठ के. ये बन चुकी है आधी आधी बन चुकी है. आप लोगों को पकौड़ियाँ कैसी लगती है आप लोग मुझे कमेंट में बताइए. हम पीने वाले हैं चाय. ये दादी की चाय है, ये मेरी चाय है और ये है पकौड़ियाँ और ये है दादी. हंस के दिखाओ. ये देखो चाय पी लो. चाय लाओ. चाय लाओ. अभी बज रहा है 11:30 और मैं सोच रही हूँ थोड़ा अपना जो कबर्ड है वो ठीक कर लूँ क्योंकि बहुत ज्यादा उल्टे सुलटे कपड़े हो रखे हैं. तो चलो वो मैं वो काम कर लेती हूँ और फिर आगे दिखाती. टाइम देख सकते हैं आप 11:30 हो रहा है. 11:30 से ज्यादा ही दिखाती हूँ मैं कितना मैशअप हो रखा है मेरा कवर्ड. ये देखो इतना सब मैशअप हो रखा है. इसको मैं सही करूँगी. जो मेरा कवर्ड हुआ है वो आधा कवर्ड हुआ है साफ और इतनी गर्मी हो गई थी ना बहुत. अभी लाइट आ गई बहुत ज्यादा. इतना सारा मैशअप और मैं लगाऊंगी इस कवर्ड में अच्छे से. मैं बता नहीं सकती मेरे साथ कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है. मैंने मंगाया था इंस्टाग्राम से वेबसाइट थी जिसका मैं आपको दिखा दूंगी फोटो में. ठीक है यहाँ पे स्क्रीन पे दिख जाएगा आपको वो वाली वेबसाइट का. ठीक है तो मैंने वहाँ से मंगाया था ट्राउजर और टॉप और वो मुझे लिटरली उसका कुछ नहीं आया. ना ही कलर सेम है ना ही कुछ. और उसकी जगह मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे क्या रिसीव हुआ. वो भी इतनी सारी पैकेजिंग के बाद भी मुझे लगा कि अच्छा ही होगा. इतनी सारी पैकेजिंग की है इतने अच्छे से मतलब दिया है इसको तो कुछ अच्छा ही होगा क्वालिटी वाइज और प्रोडक्ट वाइज अच्छा होगा. बट उल्टा हुआ इसका अपोजिट. देखो मैं दिखाती हूँ. इतनी सारी पैकेजिंग थी एक. ठीक है मैंने अभी इसको खोला था जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले लिया है और टाइमिंग हो रहा अभी 2 बज रहे हैं. ठीक है ये देखो 2, 3 और ये 4 ये 5 और ये 6. इसके अंदर मैं अभी खोल के दिखाती हूँ आपको मुझे क्या रिसीव हुआ है. ये 2 पैंट मैं आपको दिखाऊंगी स्क्रीन पे. ये जो प्रोडक्ट दिख रहा है आपको स्क्रीन पे मैंने ये मंगाया था और मुझे क्या रिसीव हुआ है ये 2 पैंट वो भी इतनी गंदी सी. हंसते ज्यादा मैं इतना इस प्रोडक्ट से इतना अनसेटिस्फाई हूँ ना बता नहीं सकती मैं. और मुझे टोटली रॉन्ग प्रोडक्ट रिसीव हुआ है. इंस्टाग्राम की वेबसाइट में आपको उसका लिंक दूंगी और दिखाऊंगी भी मैं आपको. अगर आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो फ्लिपकार्ट अमेजोन मिंत्रा आजियो काफ़ी सारे ऐप्स हैं वहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं. और मैंने गलती कर दी क्योंकि मुझे लगा कि हाँ आ जाएगा और ऐसा कुछ मैंने सोचा भी नहीं था सीरियसली बट मेरे साथ हुआ. तो आप लोगों के साथ ना हो ये चीज़ तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये. और आप लोगों को शॉपिंग करनी है तो ऑफिशियल पेज से ही करें आप. जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मैंने रिटर्न के लिए काफ़ी सारे मैसेजेस किए उसको इंस्टा आईडी पे उसकी बट उधर से कोई रिस्पांस नहीं आया. कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं किया और सीन करके छोड़ दिया क्योंकि उसको उसके पैसे मिल चुके थे. फाइनली मेरा कवर जो है वो साफ़ हो गया नीट एंड क्लीन हो गया अच्छे से और मैंने सारे लगा दिए कपड़े. सो जितना भी काम पेंडिंग था उसको काम किया. उसके बाद जो है मैं फ्रेश हुई नहाई और थोड़े बाल गीले से हो रहे हैं मेरे ये और उसके बाद मैं निकलूंगी बाहर और आपको दिखाऊंगी. सीरियसली मेरा मूड बिल्कुल ऑफ हो गया आज और अभी टाइम हो रहा है 4:00 बज रहा है और मुझे जो रिसीव हुआ था प्रोडक्ट वो 2:30 बजे करीब हुआ था जब मैं काम कर रही थी. और मेरा दिमाग में बस वही चल रहा है. मैं कोशिश कर रही हूँ उसको बोलने की बट होता है ना कि कुछ चीज़ गलत हो जाती है तो वो वही दिमाग में चलती रहती है. तो वही मेरे साथ हो रहा है अभी फिलहाल. और ये है मेरा लंच टाइम और ये है चुके हुए चावल. आपको कैसे लगते हैं मुझे बताइएगा. सो मैं फाइनली रेडी हो गई हूँ और मेरा लुक कैसा लग रहा है आपको मुझे बताइएगा. ठीक है फाइनली रेडी वगैरह हो गई और साथ में मम्मी भी रेडी हो गई और हम निकल रहे हैं बाहर के लिए. और ये मेरा भाई कर रहा है कार की सफाई. देखो कार धुल रहा है ये साफ कर रहा है मतलब कि देखो सफाई वाला हमारा बहुत ही अच्छा सफाई वाला है मेहनत से काम करता है अपने.
निकल गए हम। मम्मी ये है मुरादाबाद सिटी, ये यहाँ का मुरादाबाद कॉम्प्लेक्स। मुरादाबाद में भी अब सिग्नल लग चुके हैं, पहले नहीं थे। खैर ये अच्छी चीज़ हुई है, थोड़ा ट्रैफिक रूल फॉलो करेंगे तो एक्सीडेंट को जिस चांस है वो थोड़े कम रहेंगे। और मतलब जो मुरादाबाद है वो स्मार्ट सिटी में इंक्लूडेड हो रहा है और ज़्यादा अच्छे से। पहुंच गए हम तनिष्क पे। मम्मी आ रही है पीछे। मैंने यहाँ पे कुछ देखा बट मुझे पसंद नहीं आया कुछ भी, और फिर उसके बाद हम निकल गए हर्ष की शॉप पे। यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत कुछ देखा, वो मुझे पसंद आया। फिर उसके बाद जो है आप मुझे गैस करके बताइएगा कि मैंने क्या चीज़ ली होगी क्या नहीं, तो मुझे कमेंट में बताइएगा आप लोग। और फाइनली मेरा यहाँ का काम हुआ ख़त्म, और मुझे कमेंट में बताइएगा कि मैंने यहाँ से कुछ ख़रीदा है या नहीं ख़रीदा है। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और आगे देखते रहिए ब्लॉग को। तो फाइनली हमारा काम हो गया और हम निकल गए घर के लिए। ओफो यहाँ का ट्रैफिक, कुछ पूछो मत यार। ये आमिया और दादी और मम्मी आम का अचार डालेंगी। ये देखो गाइस, अभी दादी जो है आम ही छील रही है, उसके बाद जो है आमियों को काटा जाएगा, उसके बाद बनाया जाएगा क्या अचार, टेस्टी टेस्टी अचार। आम का अचार किस किस का फेवरेट है मुझे कमेंट में बताना, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मेरा भाई खाना खा रहा है, ये देखो ये आज हमारे घर पर बना है गोभी आलू की सब्जी और मटर भी है, आप मिक्स सब्जी नाम दे सकते हो उसको। ये है श्रद्धा और श्रद्धा चला रही है फोन। श्रद्धा क्या देख रही हो फोन में? मैं अपना चैनल बना रही हूँ। चैनल बना रहे हो, वाह बढ़िया गुड। और यहाँ पे अब मम्मी ने आमियों को काटने स्टार्ट कर दिया है, अचार बनाने की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। और अब कर रही हूँ मैं डिनर, टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं रात की। मैं अपने वीडियो को कर रही हूँ यहीं पे एंड, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।